हाय फ्रेंड्स, आज हम अलंकार का अध्ययन करेंगे। उससे पहले आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जो आपको चैनल पे स्क्रीन पे जो है सब्सक्राइब का एक ऐसा आइकॉन दिख रहा होगा, ठीक है? तो इस पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिलेगा और वीडियो का आप लाभ ले सकेंगे, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुँचाएं ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू। तो अलंकार के बारे में चर्चा करते हैं। अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं, ठीक है? वामन के अनुसार अलंकार वह है जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, ठीक है? जिस प्रकार आभूषण व्यक्ति की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी कविता को सौंदर्य प्रदान करता है, ठीक है? तो अलंकार के प्रकार पर चर्चा करते हैं। अलंकार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और व्यालंकार, ठीक है? तो सबसे पहले हम शब्दालंकार पर चर्चा करेंगे, ठीक है? तो अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और व्यालंकार। तो शब्दालंकार क्या होता है? ध्वनि के आधार पर अलंकार की सृष्टि शब्दालंकार है। इस अलंकार में शब्दों या वर्णों की लयात्मकता होती है, ठीक है? यहाँ अर्थ का चमत्कार अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है, ठीक है? तो जो शब्दालंकार होता है उसमें शब्दों या वर्णों की लयात्मकता होती है, ठीक है? तो शब्दालंकार जो है इसके तीन भेद हैं, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, ठीक है? तो शब्दालंकार के जो है तीन भेद हैं और तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? तो तीनों में से जो पहला है श्लेष अलंकार, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो श्लेष अलंकार क्या है? जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है परंतु उसके अर्थ अनेक होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है, ठीक है? तो कोई शब्द है उसका एक बार जो है प्रयोग होगा, उसके अर्थ जो है कई सारे होंगे, ठीक है? जैसे रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानो चून, ठीक है? तो यहाँ देखिए पानी शब्द है, इसके कई सारे अर्थ निकल रहे हैं। कौन कौन से हैं? इस उदाहरण में पानी के तीन अर्थ हैं, चमक, प्रतिष्ठा तथा जल, ठीक है? तो हमारे परिभाषा के अनुसार क्या है कि शब्द का एक बार प्रयोग किया जाएगा और उसके अर्थ कई होंगे। तो यहाँ पानी का जो है एक बार प्रयोग किया गया, शब्द इसके अर्थ जो है कई कई निकले, ठीक है? तो यहाँ जो है श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे जो है अलंकार को पहचानते हैं परीक्षा में। अब हम बात करते हैं दूसरा, अनुप्रास अलंकार की, ठीक है? तो अनुप्रास अलंकार क्या है? जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, ठीक है? देखिए अब फिर हम पहचानते हैं कि अनुप्रास अलंकार कैसे हो, कैसे पहचानेंगे। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, ठीक है? तो इसमें हमें देखना कि वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है कि नहीं। तो माँ 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 हो रही है, ठीक है? तो वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होगा। तो इस चौपाई में पूर्वार्ध में म की आवृत्ति और उत्तरार्ध में स की आवृत्ति तीन तीन बार हुई है, ठीक है? यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है? इसमें देखिए स की आवृत्ति तीन बार हुई है, पर इनमें स्वरों का मेल नहीं है। जो है इनकी मात्राएं हैं उनका मेल नहीं है यहाँ पे, ठीक है? कहीं कहीं स्वरों का भी मेल मिल जाता है, ठीक है? तो उदाहरण देखते हैं कहाँ पे स्वरों का मेल मिलता है। तो एक उदाहरण देखते हैं, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, ठीक है? देखिए इसमें स की आवृत्ति पांच बार हुई है, पर स्वरों का मेल सुख सुजस सुलभ केवल तीन बार हुआ, ठीक है? तो स स स स और स पांच बार इसकी जो है आवृत्ति हुई है, लेकिन स्वरों का मेल देखिए, इस पे छोटे उ की मात्रा, इस पे भी छोटे उ, इस पे भी, तो जो है स्वरों का मेल जो है केवल सुख सुजस और सुलभ में है तीन बार, ठीक है? तो यहाँ भी जो है अनुप्रास अलंकार है, ठीक है? तो ऐसे आप जो है अलंकार को पहचानेंगे परीक्षाओं में। फिर अगला जो है यमक अलंकार, ठीक है? यमक अलंकार क्या है? जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो हम क्या ढूंढेंगे एग्जाम्पल में कि कोई एक शब्द होगा उसकी आवृत्ति जो है दो या दो से अधिक बार होगी लेकिन अर्थ अलग होंगे, ठीक है? तो इसका क्लू है, तो कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर, या पाए बौराए, ठीक है? तो कनक की आवृत्ति दो बार हुई है, ठीक है? तो हम देखते हैं कि इन दोनों के अर्थ अलग हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो चीज़ों की बात की जा रही है, एक को खाने की बात की जा रही है, एक को पानी की, ठीक है? तो यहाँ कनक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं, परंतु एक का अर्थ जो है धतूरा है, दूसरे का सोना है। तो धतूरा खाने से नशा होता है पर सोना पाने से भी नशा होता है, ठीक है? जिस सोने को पाकर ही लोग उन्मत्त हो जाते हैं, वह खाने वाले धतूरे से 100 गुना क्या 1000 गुना अधिक मादक कहा जाए तो भी अनुचित नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसे हम पहचानते हैं अलंकार, ठीक है? तो अब अर्थालंकार को कैसे पहचानते हैं इसको देखते हैं। तो अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत प्रदान करने वाले अलंकार जो हैं अर्थालंकार होते हैं, ठीक है? तो ये अलंकार का दूसरा प्रकार है अर्थालंकार, ठीक है? तो इसके देखते हैं कितने भेद होते हैं अभी। तो एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द को पर्याय के रूप में रख देने से अर्थ में व्यवधान आए बिना जो अलंकृति आती है वह अर्थालंकार होता है, ठीक है? जैसे कि कोई शब्द है
जैसे कि उसका हम पर्यायवाची उसके स्थान पर रख दें, ठीक है, तो क्या होता है कि उसकी जो है मतलब जो उसका होता है उसका अर्थ जो होगा उसमें परिवर्तन नहीं होगा, और उसके अर्थ में परिवर्तन आए बिना क्या होगी उसमें अलंकृति आ जाएगी, उसकी शोभा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या होगा अर्थालंकार होगा, ठीक है, उसी को हम अर्थालंकार कहेंगे। तो अर्थालंकार के जो है 100 से अधिक भेद होते हैं जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं, ठीक है, तो अर्थालंकार के 100 भेद तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सारे एग्जाम में नहीं आएंगे, तो उनमें से जो मुख्य हैं उसमें से जो पहला है उपमा अलंकार, ठीक है, तो जहाँ दो वस्तुओं के बीच समानता का भाव व्यक्त किया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। देखिए यहाँ भी क्लू मिल गया कि दो वस्तुओं के बीच जो है समानता का भाव व्यक्त किया जाएगा, ठीक है, जैसे हरि पद कोमल कमल से, ठीक है, तो इनमें जो है हरि के पद यानी कि जो है चरण की बात की जा रही है, तो हरि भगवान के जो है चरण कमल के समान है, ठीक है, तो यहाँ देखिए समानता की बात आ गई, तो यहाँ जो है उपमा अलंकार हो गया, ऐसे ही जो है हम एग्जाम में भी पहचानेंगे। अगला है रूपक अलंकार, ठीक है, तो रूपक अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे देखते हैं। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप कर उनकी एक रूपता का प्रतिपादन किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है, ठीक है, तो उपमेय पर उपमान का जो है आरोप कर उनकी एक रूपता का प्रतिपादन किया जाएगा तो वहाँ रूपक अलंकार होगा, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है, ठीक है, तो यहाँ जो है उपमेय है उपमान का रूप धारण कर लेता है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, तो यहाँ जो है चरण जो है वो उपमेय है और कमल जो है उपमान है, ठीक है, तो चरण पर जो है कमल का आरोप हुआ था यहाँ जो है रूपक अलंकार हुआ, तो हमने रूपक अलंकार जो है ठीक है पहचानना भी सीख लिया। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। देखिए अब उपमेय में उपमान की संभावना की बात की जा रही, तो हम देखते हैं कैसे उपमेय में उपमान की संभावना होती है, ठीक है, कैसे हम उसको पहचानते हैं संभावना को। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु जनु मानो जानो निश्चय जैसे शब्दों का, देखिए एक क्लू और है कि अगर उस शब्द में जो है मतलब जो पंक्तियां होंगी उनमें जो है मनु जनु मानो जानो निश्चय जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ तो वहाँ पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है, जैसे कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सैल पर आतप प्रयोग प्रभात, देखिए यहाँ भी जो है वही बात की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है उपमेय में उपमान की संभावना की बात की जा रही है, ठीक है, क्या है श्री कृष्ण पीताम्बर पहने हुए हैं, उनके शरीर को देख के ऐसा लगता है कि मानो नीलमणि नील पर्वत पर प्रभात के सूर्य का पीले रंग का प्रकाश पड़ा, ठीक है, तो यहाँ वही जो है दो क्लू हैं आपके पास, ठीक है, तो एक क्लू तो आपका ये है कि क्या नाम है मनु जनु मानो जानो निश्चय जैसे शब्द, तो इसमें मनो आ गया तो इससे भी आप पहचानकार है, ठीक है, तो दूसरा क्लू तो ये आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। अगला अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है, तो जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है, तो देखते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर कैसे बात की जाती है। तो लेवत मुख में घास मृग मोर तजत मृत जात आंसू गिरियत जर लता पीरे पीरे पार, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो वही दिखाया गया बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, ठीक है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। अगला है व्यतिरेक अलंकार, ठीक है, तो व्यतिरेक अलंकार क्या होता है देखते हैं हम, तो जहाँ उपमेय को उपमान से बढ़ाकर या उपमान को उपमेय से घटाकर वर्णन किया जाता है, ठीक है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है, तो हम देखते हैं कि उपमेय को जो है उपमान से बढ़ाकर या उपमेय को उपमेय से घटाकर जो है कैसे वर्णन किया जा रहा है, तो साधु ऊँचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, यहाँ क्या है कि सज्जनों को पर्वतों के समान ऊंचा बताया गया, ठीक है, पर उनमें यह बात अधिक बताई गई है कि उनकी प्रकृति कोमल होती है जबकि पर्वतों की प्रकृति कोमल नहीं होती है, ठीक है, कठोर होती है, तो यहाँ पे भी वही व्यतिरेक अलंकार है कि क्योंकि जो है उपमेय को जो है उपमान से बढ़ाकर बात कर दी गई है यहाँ पे, ठीक है। अगला है विरोधाभास अलंकार, ठीक है, तो जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए, ठीक है, तो विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है, जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल हुए, ठीक है, तो यहाँ क्या कहा गया है कि भक्त की चित्त घनश्याम के काले रंग में ज्यों ज्यों डूबता है, ठीक है, तो भक्त का चित्त जो है श्याम के काले रंग में ज्यों ज्यों डूबता है त्यों त्यों वह सफ़ेद होता जाता है,
तो काले रंग में डालने पर वस्तु काली होती है, ठीक है, उजली नहीं होती है। इस प्रकार श्वेत और श्याम का संयोग दिखने के कारण विरोधाभास अलंकार है, ठीक है, ऐसे आप पहचानेंगे विरोधाभास अलंकार। अगला है दृष्टांत अलंकार, ठीक है। तो दृष्टांत अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है, ठीक है। तो जहाँ उपमेय और उपमान, ठीक है, तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, ठीक है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, ठीक है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, ठीक है, कितनी सुंदर पंक्ति है। तो यहाँ एक म्यान में दो तलवारों का रहना वैसे ही असंभव है जैसे एक पुरुष का दो नारियों पर अनुरक्त रहना, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, ठीक है, अतः यहाँ दृष्टांत अलंकार होगा। अगला है विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास अलंकार क्या होता है? दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए, ठीक है। तो दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। तो देखते हैं कैसे। तो भर लाऊ सीपी में सागर प्रिय मेरी अबहार विजय किया, ठीक है। अब देखिए ये कितना बड़ा विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि सीपी में ये सागर भरने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं आगे। तो सीपी में भला सागर कैसे भरा जा सकता है, ठीक है। तो सीपी में हम सागर तो भर नहीं सकते हैं, अतः यहाँ पे जो है विरोधाभास उत्पन्न हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। तो तीसरा जो था हमने लास्ट पढ़ा था कि जो है शब्दालंकार, अर्थालंकार और जो है उभयालंकार। तो तीसरा जो है उभयालंकार, ये क्या होता है? जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित हो उसे उभयालंकार कहते हैं, ठीक है। तो जो शब्द और अर्थ जो है, मतलब यानी कि शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का जो है मिक्सचर है उभयालंकार, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सम सुवर्ण सुषमाकर सुखद नथोर अस्सी अंग सखी कोमल कनक कठोर, ठीक है। तो उपयुक्त पद में जो है पहली पंक्ति में अनुप्रास यानी कि शब्दालंकार है क्योंकि यहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, ठीक है। तो जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तथा दूसरी पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार होगा क्योंकि यहाँ उपमेय को उपमान से बढ़ाकर वर्णन किया गया, ठीक है। तो जहाँ पे उपमेय और उपमान को बढ़ाकर वर्णन करते हैं वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होता है, ठीक है। तो ये जो है उभय अलंकार का एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भी मैं इसके बाद जो है और सारे हिंदी की वीडियो अपलोड करूँगा उसका आप जो है फ़ायदा लें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।